तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं लिन यहाँ पर निंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा मैटर हो गया था और लिन सोचता है कि चलो इस बेचारी की भी मदद कर देते हैं। जहाँ पर निंग जैसे ही रियलाइज करती है कि लिन यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा है, वो तुरंत उन दोनों को धक्का मारकर आगे बढ़ जाती है। जहाँ पर लिन जाते हुए कह रहा था कि तुम गाइस यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिम्मत कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पर पंगे लेने की। और हम पीछे देखते हैं जिंग के एक साथी को जो कि यहाँ पर जिंग से कहता है कि वैसे क्या आप यहाँ पर उस लड़की को भी जाने देंगे ऐसे ही। तो जिंग यहाँ पर अपने साथी को बताता है कि वो यहाँ पर रिवेंज लेगा, बट ये सही टाइम नहीं है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर निंग पूछ रही होती है लिन से कि मिस्टर लिन अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर लिन रिप्लाई करता है कि मैं तो बस हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहता हूँ, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। तो निंग यहाँ पर लिन की बात को सुनकर कहती है कि ठीक है मिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, बट वहाँ मेरी कार खड़ी है, तो चलिए आप यहाँ पर जहाँ जाना चाहते हैं मैं आपको वहाँ तक ले चलती हूँ। तभी लिन यहाँ पर जो ट्रिक बाकी लड़कियों के ऊपर इस्तेमाल करता है वही निंग के ऊपर भी इस्तेमाल कर लेता है कि बस तुम मेरा ख्याल रखो, इन सारे मैटर्स को तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। और इसी बीच हम देखते हैं तभी यहाँ पर निंग का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो कि निंग को बुलाता है। जहाँ पर अगर कोई और होता तो वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, लेकिन ये तो कह रहा होता है निंग से कि मैटर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, चलो वापस चलते हैं। तो निंग यहाँ पर रिप्लाई करती है कि मुझे माफ कर देना, डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे यहाँ पर इनका ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत अच्छे गेस्ट हैं हमारे, तो मैं इस तरीके से इन्हें यहाँ पर ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मतलब बैकअप रहना चाहिए क्योंकि वो काम आता है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर उसे अपनी कार से ले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ पर सिचुएशन को देख पाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर निंग को जो कि लिन से पूछ रही होती है कि वैसे किसी से छुटकारा कैसे पाया जाता है। तो इस पर लिन पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड के बारे में है, जिस पर निंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं उसे दोबारा देखना ही नहीं चाहती। जिस पर लिन कहता है कि चलो मैं तुम्हारी अभी के लिए मदद कर देता हूँ, तुम यहाँ पर 60 की स्पीड से भगाओ क्योंकि सामने चौराहा है और उसका सिग्नल जल्दी ही रेड हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं सिग्नल जो कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ये क्या है मतलब पता ही नहीं लग रहा, बट ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। जहाँ पर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि फाइनली मुझे छुटकारा मिल गया। और हम देखते हैं वो कुछ ही वक्त के अंदर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लिन यहाँ पर अंदर जाते हुए कहता है कि ठीक है तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकती हो, बाद में कंप्लेन मत करना कि मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्स कर रहा था अंदर चलने के लिए। जिस पर निंग यहाँ पर मना करते हुए कहती है कि नहीं मैं इस वक्त घर नहीं जा सकती। इस पर लिन यहाँ पर उसे दो ऑप्शन देता है कि या तो वो यहाँ पर रुककर लिन का वेट करे या फिर अंदर चलकर हॉट स्प्रिंग के मजे ले, वो भी यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी। जिस पर वो भी यहाँ पर लिन के साथ चलते हुए कहती है कि अंदर जाना ज्यादा बेहतर है, आखिरकार कौन अकेले रहना चाहेगा। और हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर लिन बात ले रहा था निंग तभी बात लेने के लिए आती है। जहाँ पर कुछ वक्त पहले, कुछ चैप्टर्स पहले, निंग यहाँ पर इस चीज के लिए लिन को जर्क कह रही थी, लेकिन अभी की सिचुएशन देखो, मतलब मैं इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा था। तभी निंग यहाँ पर लिन से कहती है कि वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पर इतनी ज्यादा क्या है, जो कि तुम यहाँ पर दांग काउंटी के एक नॉर्मल से डायरेक्टर और सभी तुम्हें लिंगयांग ग्रुप के हेड कह रहे हैं। इस पर लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, पहले मैं टैक्सी चलाया करता था और अभी मेरे पास जॉब है। तभी निंग यहाँ पर कहती है हंसते हुए कि तुम यहाँ पर दूसरे अमीर लोगों से अलग हो, जहाँ पर वो लोग पैसों का शो ऑफ करना जानते हैं, बट तुम अभी भी इसे छिपाना चाहते हो। लेकिन वैसे जो जिंग है, मुझे पता है कि बाद में तुमसे जरूर रिवेंज लेगा, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा है। जिस पर लिन का रिप्लाई कौन ही इसकी परवाह करता है। जिस पर निंग कहती है कि ये तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट है ना कि जोंगाई, तो आखिरकार तुम्हें थोड़ा तो परवाह करना चाहिए। इस पर लिन बताता है कि वो बस कुछ कमजोर से लोग हैं, तो आखिरकार मुझे इस बारे में क्या चिंता करने की जरूरत है। जहाँ पर निंग भी लाइक की कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा। तभी लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि वैसे तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम इस तरीके से मुझे क्यों देख रही हो। जिसका रिप्लाई निंग कुछ ऐसे करती है कि तुम्हारी आंखें तो बंद है, तुम्हें कैसे पता लगा। जिस पर लिन रिप्लाई करता है कि अभी अभी तुमने बताया, इतना काफी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर बात वगैरह ले लेते हैं और निंग पूछ रही होती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। जिस पर लिन कहता है कि बस अभी मैं घर जाने के बारे में सोच रहा था। तो निंग यहाँ पर लिन से पूछती है कि वैसे क्या वो डिनर करना चाहेगा मेरे साथ। और जैसा कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की ने यहाँ पर खुद ही ऑफर किया है, तो लिन मना कैसे कर सकता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं निंग लिन को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आई होती है, और हम देखते हैं वहाँ पर यूमिंग को और उसी के साथ यहाँ पर उसका कजन भी होता है जो कि वहाँ पर काम करता है बार के अंदर, जिसका नाम झाउ साउ जुन होता है। जहाँ पर जुन यूमिंग से कहता है कि वैसे वो लड़की कुछ फैमिलियर नहीं है, तो यूमिंग रिप्लाई करता है कि हर लड़की फैमिलियर होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपना कंट्रोल खो दो। जहाँ पर वो बड़बड़ाए जा रहा है कि लड़कियों की वजह से लोग क्राइम कर देते हैं, ये कर देते हैं, मारो गोली लड़कियों को। जिस पर जुन कहता है कि मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, मेरा मतलब है कि सीईओ है, क्या ये उनकी सेक्रेटरी नहीं है। जिस पर यूमिंग कहता है कि ये नामुमकिन है, तो जुन कहता है कि अरे तुम देखो तो सही। जहाँ पर वो जैसे पलट कर देखता है, उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसने निंग को तो देखा ही था, लेकिन लिन को एक्स्ट्रा में
देख लिया था, जहाँ पर यूमी गुस्सा होते हुए कहता है कि ये बास्टर्ड फिर से। जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए बता रहा होता है कि ये वही है जिसकी वजह से मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। जिस पर जुन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि रुको मैं यहाँ पर उससे बात कर आता हूँ। तो यूमिंग यहाँ पर उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे पता है क्योंकि वो कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसके साथ हम यहाँ पर लड़ाई कर सके। जिस पर जुन घबराते हुए कहता है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, तो मिंग बताता है यूमिंग कि बस तुम यहाँ पर इतना समझ लो कि हम यहाँ पर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और उसके साथ हमारा इनकाउंटर यहाँ पर एक बैड लक की तरीके है, तो बस इसे इग्नोर करो। जिस पर जुन कहता है कि अगर हम इनडायरेक्टली उसके साथ इनकाउंटर करते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि उस पर्सन को एक अच्छा सबक सिखा पाएंगे। जहाँ पर यूमिंग इस बात को सुनकर कहता है कि आखिरकार मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। इसी के साथ हम देखते हैं इधर का सीन, जहाँ पर निंग लिन को बता रही होती है दारू के बारे में, नॉर्थ ईस्ट की बेहतरीन दारू के बारे में। वो अलग बात है कि इसे इंग्लिश में वाइन कहते हैं। जहाँ पर निंग इसी बारे में बता रही होती है कि वो वाइन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर लिन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैं कॉलेज टाइम से पीता आ रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई नशा नहीं हुआ। जिस पर निंग कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस बार का तुम्हारा एनकाउंटर एक ऐसी वाइन के साथ है जो कि कन्फर्म है यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक कर देगी और शायद मुझे तुम्हें उठा कर ले जाना पड़े। और कुछ ही वक्त के अंदर वहाँ पर वो दारू की बोतल आ जाती है। जहाँ पर लिन इसे देखते हुए कहता है कि क्या ये पक्का कोई स्ट्रांग वाइन है। इस पर निंग भी यहाँ पर तारीफ करते हुए बताती है कि इस बार की वाइन यहाँ पर हमारे एरिया में बहुत ज्यादा ही फेमस है क्योंकि ये बार यहाँ पर इसे खुद ही बनाता है, तो इसी वजह से इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है। जहाँ पर लिन ढक्कन खोलते हुए कहता है कि चलो देखते हैं जो तुम कह रही हो क्या वो सच है। जिस पर निंग कहती है कि मैं 3 बोतल वाइन पीऊंगी अगर मेरी बात झूठ निकली तो। लेकिन लिन यहाँ पर घंटा उसकी बात सुनता है और पूरी बोतल ही पीने लगता है, वो भी बिना पानी मिलाए। जहाँ पर निंग मना करते हुए कह रही होती है कि ये खतरनाक हो सकता है, तभी लिन यहाँ पर एक बोतल वाइन को खत्म कर देता है और वो कह रहा है कि हाँ ये थोड़ी बहुत तो स्ट्रांग है। इस पर निंग का रिएक्शन की थोड़ी बहुत तुमने यहाँ पर पूरी की पूरी बोतल पी ली है। तभी लिन यहाँ पर कहता है कि वैसे तुमने कुछ देर पहले कुछ कहा था अगर मुझे यहाँ पर इसका नशा उतना ज्यादा भी नहीं होता है तो तुम 3 बोतल वाइन पियोगी, वो भी कंपनसेशन के तौर पर। जिस पर निंग यहाँ पर अपनी चमकती हुई आंखों से कहती है कि वो कोई 3 बोतल नहीं था बल्कि वो 3 कप था। जिस पर लिन कहता है कि ओहो तुम यहाँ पर अपनी बात से पलटना भी जानती हो, बट तुम्हें तब तक यहाँ पर वाइन को पीते रहना होगा जब तक कि मैं पीना बंद नहीं करता हूँ। इस पर निंग यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल भी कोई बोतल नहीं पीने वाली। इसी के साथ लिन यहाँ पर 3 बोतल वाइन मंगा लेता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब वक्त है थोड़ा एंजॉय करने का। जहाँ पर निंग पहला वाइन का कप पीते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे पीकर मरूंगी नहीं। इसी के बाद दोनों यहाँ पर आपस में चेयर्स करते हैं और फिर मस्त यहाँ पर वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। जहाँ पर लिन अभी नॉर्मल कप पी रहा होता है और निंग को यहाँ पर ये कप जो कि पहले उसे दिक्कत हो रही थी पीने में बट अभी अच्छा लग रहा होता है। तभी लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने लिमिट तक पहुंच चुकी हो। जिस पर निंग कहती है कि मैं अभी भी होश में हूँ और मैं अभी भी थोड़ा बहुत पी सकती हूँ और अगर तुम मेरी जगह पर होते तो शायद अभी तक तुम यहाँ पर बिना कुछ सोचे भाग चुके होते। तभी निंग यहाँ पर थोड़ा और दारू भरते हुए कहती है, दारू के अंदर पानी मिलाते हुए कहती है कि वैसे क्या मुझे यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के गाल पर थप्पड़ मारना चाहिए था या फिर नहीं। जिस पर लिन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता लेकिन अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जगह पर होता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शायद ही ऐसी कोई चीजें होने देता चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जिस पर निंग कहती है कि जैसा मैंने कहा था तुम यहाँ पर बाकी लोगों से अलग हो लेकिन मैं तुम्हें इस बार के लिए टेस्ट करती हूँ। जहाँ पर निंग यहाँ पर लिन के पास आते हुए कहती है कि मैं इतने टाइम से ड्रिंक कर रही हूँ लेकिन अभी तक तुम यहाँ पर कैसे यहाँ पर इस तरीके से शांति से बैठे रह सकते हो। और जो निंग ने यहाँ पर थोड़ी देर पहले ट्रस्ट वाली बात की थी लिन से वो ये थी कि अभी निंग यहाँ पर अपनी लिमिट पर आ चुकी है। और इसके साथ निंग यहाँ पर नीचे गिर जाती है जहाँ पर लिन उसे उठा रहा होता है, लेकिन फिर यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे संभालना होगा। और हमारा सीन यहाँ पर जुन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि यहाँ पर किसी को बुला रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं इस पर्सन को जिसका नाम मा हा यून है और यहाँ पर ये आते हुए कह रहा था कि तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुला लिया। जिस पर जुन यहाँ पर ब्रदर माँ से कहता है कि कोई मुझे धमका रहा था तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें उसे संभालने में। जिस पर माँ हायुन कहता है कि हाँ अभी लग रहा है कि ये थोड़ा अर्जेंट है। जिस पर जुन बताता है कि वो जो कॉर्नर में पर्सन यहाँ पर उस औरत को ले जा रहा है ना, हाँ ये वही पर्सन है जिसे कि आपको यहाँ पर संभालना है और अगर आप यहाँ पर इसमें मेरी मदद कर देते हैं तो मैं कल आपको यहाँ पर एक बेहतरीन सी मील दूंगा। जिस पर माँ हायुन कहता है कि अरे तुम यहाँ पर इतने पोलाइट मत हो, वैसे भी यहाँ पर ये मेरा जॉब है। जहाँ तक सवाल रहा मील का तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ बेहतरीन सा देख लिया है। जिस पर जुन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं उसके साथ, बस ये यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर इससे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। जिस पर माँ हायुन कहता है कि चिंता मत करो तुम्हें एक गुड न्यूज मिलेगी सुबह, क्योंकि रात में मुझे यहाँ पर उसे निपटाने के बाद कुछ जरूरी काम भी करना होगा ना। इसी के बाद हमारा सीन यहाँ पर निंग की तरफ शिफ्ट होता है जिसे के लिए किसी तरीके से सीट बेल्ट लगाता है और अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है कि अरे बाप रे इतनी रात हो गई और मैंने इससे इसका घर का पता ही नहीं पूछा। तभी माँ हायुन यहाँ पर लिन को पीछे से बुलाते हुए कहता है कि बड़ी थोड़ा इधर तो देखना। तो जिस पर लिन यहाँ पर उनसे पूछता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो माँ हायुन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, वो जो लड़की है ना उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तो मैं यहाँ पर बाहर की तरफ से हूँ और मैं यहाँ पर उसे होटल छोड़ने के लिए आया हूँ। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि क्या बात कर रहे हो, वो यहाँ पर कोई जवान लड़की नहीं है बल्कि वो 30 साल की है। जिस पर माँ का रिएक्शन की क्या बात कर रहे हो, क्या हम ही लोग यहाँ पर जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। तभी माँ यहाँ पर एक ईंट को उठाते हुए कहता है कि चलो इन चीजों को साइड रखते हैं, मैं तुम्हें सबक सिखाने
के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक कर लेता है, तो लिन यहाँ पर आराम से उसके अटैक को रोकता है और उसके बाद लिन यहाँ पर उसकी ईंट को छीनते हुए यहाँ पर उसी के सर पे बजा देता है, जहाँ पर माँ हायुन का साथी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर जब उनकी तरफ बढ़ता है तो वो लोग कह रहे हैं कि शांत हो जाओ, हम लोग यहाँ पर आपस में बात भी कर सकते हैं। जिस पर लिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ पर तुमने खूबसूरत सी लड़की देखी और अभी के लिए तुम यहाँ पर उसे मुझसे छीनना चाहते थे। जिस पर वो पर्सन कहता है कि अरे भाई तुम्हें कुछ गलत ही पता है, सही बात तो कुछ और है, दरअसल बार के अंदर जो पर्सन है ना हमें यहाँ पर उसने ऐसा कुछ करने के लिए कहा था। जिस पर लिन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि अरे लेकिन मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया, तो उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद लिन यहाँ पर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो इस बात को अंदर कन्फर्म करते हैं। और हम देखते हैं अंदर का सीन, जहाँ पर जून यूमिंग के साथ मिलकर दारू पी रहा होता है कि लिन का अभी तक गेम बच गया होगा, इस बात को यहाँ पर सोचते हुए। लेकिन तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है, जहाँ पर ये लोग उस तरफ देखते हुए कहते हैं कि माँ हायुन आखिरकार तुम इतनी जल्दी आ गए। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर पूरी खुली आंखों के साथ देखते हैं, इन्हें रियलाइज होता है कि जो हायुन के टीम के मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर किसी पर्सन को अपने साथ लेकर आए हैं जो कि लिन है। जहाँ पर जून और यूमिंग घबराते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, तो लिन यहाँ पर अपने साथ खड़े पर्सन से पूछता है कि क्या ये दोनों वही है, तो वो पर्सन भी हाँ करता है। तो लिन यहाँ पर अपने साथ खड़े पर्सन को उसे सबक सिखाने के लिए भेजता है, जहाँ पर जून इसे देखते हुए कह रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो वो पर्सन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए जून को लात से मारते हुए कहता है कि गधे कहीं कि तुम्हें बताना तो चाहिए था कि वो पर्सन स्ट्रांग है। जहाँ पर वो लोग आपस में एक दूसरे को गालियां देते हुए लड़ने लगते हैं और लिन उन्हें छोड़कर चला जाता है वहां से। और फिर हमारा सीन सुबह की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं निंग सो रही थी, लेकिन बस कुछ ही पेजेस के बाद वो उठ जाती है, जहाँ पर वो हैरान थी बिस्तर के नीचे खून देखकर और उसके कपड़े भी बदले हुए थे। तभी लिन यहाँ पर उससे पूछने के लिए आता है कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तो वो शर्म के मारे अपने आप को वापस से यहाँ पर बिस्तर में ढक लेती है। जहाँ पर वो लिन से पूछ रही थी कि मुझे यकीन है कि तुम कुछ कहना चाहते होगे आज की रात के बारे में। जिस पर लिन कहता है कि हाँ तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तो मैंने उसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिया है। और अगले ही पल लिन यहाँ पर दरवाजे पर होता है, जो कि कपड़ों को ले रहा था जो कि ड्राई क्लीन किए गए थे। जहाँ पर लिन निंग को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने मेरे कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा। जिस पर लिन कहता है कि अगर मैं इसे धुलने के लिए ना भेजता तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इसे खुद धुलता। जिस पर निंग कहती है कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिरकार कल रात क्या हुआ था। जिस पर लिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा नशे के अंदर थी और तुम आधी रात को मुझे डैडी डैडी बुलाने लगी। जिस पर निंग कहती है कि इस बारे में नहीं बेवकूफी, जो कंबल पर खून है मैं इसके बारे में बात कर रही थी। जिस पर लिन कहता है कि ये बस कुछ रिलेटिव थे जो कि यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया था, क्योंकि तुमने थोड़ी सी ड्रिंक के बाद पूरे बिस्तर को ब्लड से भर दिया था, तो तुम्हें कम ड्रिंक करना चाहिए। जहाँ पर जिंग जैसे इस बात को सुनती है वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर वापस से रजाई के अंदर छिप जाती है। तो लिन यहाँ पर उससे इसी बारे में पूछता है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो बार बार। जिस पर निजिंग कहती है कि बस ऐसे ही, मैं बस इसे मिसअंडरस्टैंड कर चुकी थी। और वैसे रिलेटिव का मतलब है कि उसने यहाँ पर कुछ होटल के स्टाफ्स को बुला लिया था। और उसके बाद लिन वहां से जाते हुए कहता है कि मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए जा रहा हूँ। तो निंग पूछती है कि वैसे क्या तुमने मेरे कपड़े बदले थे। जिस पर लिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये उन लोगों ने ही कर दिया था और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। तभी हम देखते हैं निंग के पास यहाँ पर उसकी मदर का कॉल आता है, जहाँ पर निंग कॉल को उठाते हुए कहती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, रुको मैं अभी वहाँ पर आती हूँ। जिस बात को सुनकर लिन भी कहता है कि हैं आखिरकार अब क्या हो गया। तो इस पर निंग यहाँ पर भागते हुए कहती है कि मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया है और अभी वो हॉस्पिटल के अंदर है। जिस पर लिन पूछता है कि क्या उन्हें कोई झटका वगैरह सा तो लगा था क्या, क्या तुमने सुबह की अपनी फोटो तो नहीं भेज दी। जिस पर निंग कहती है कि कुछ लोग मदर ने बताया कि मेरे घर पर आए थे और वो लोग यहाँ पर दावा कर रहे थे कि मेरे फादर ने कुछ लोगों को हायर किया था उनके बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसके लिए मेरे फादर को उन्हें कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे देने होंगे, नहीं तो लोग पुलिस बुला लेंगे। जहाँ पर लिन इस बारे में सोचते हुए कहता है कि ये पक्का सन फैमिली का काम होगा और जिसे सन फैमिली के बारे में अभी तक नहीं पता लगा, तो सन फैमिली यहाँ पर जिंग की ही फैमिली है। और उसके बाद जो हमारा सीन है वहाँ से आईसीयू की तरफ शिफ्ट होता है और इनका नाम यहाँ पर ग्यु गिंग है, जो कि यहाँ पर निंग की मदर है और ये निंग से कह रही होती है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गई। जहाँ पर निंग पूछते है कि मदर फादर की कंडीशन कैसी है, जिस पर ग्यु गिंग कहती है कि मैंने डॉक्टर को सिचुएशन बता दिया और उन्होंने कहा कि अभी वो खतरे से बाहर है। जहाँ पर निंग कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि मदर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी परेशानी भरी है, बट इतनी बड़ी भी नहीं है। तभी हम देखते हैं निंग का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो कि एक्स बॉयफ्रेंड है, और वो आते हुए कह रहा होता है कि निंग मुझे माफ कर देना कि मुझे आने में यहाँ पर इतनी देर हो गई, और वैसे इस पर्सन का नाम यहाँ पर जैंग यांग है, तो हम इसे जैंग यांग कहेंगे। जहाँ पर जैंग यांग कह रहा होता है, तीन बार हो गया, बैक टू द कॉमिक, हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये पर्सन यहाँ पर क्यों है। तो निंग उसे बताती है कि वो सुबह लिन को पिक करने के लिए गई थी और सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसे लिन को यहीं ले आना पड़ा। जिस पर जैंग यांग यहाँ पर लिन को साइड करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर इनके बीच में मत आना, ये यहाँ पर इनका यानी कि मैं इनका फ्यूचर सन इन लॉ हूँ ना, तो मेरे बीच का मैटर है। जिस पर लिन भी उसे कहता है कि वो तो मैंने कल देख लिया था, तुम कितने अच्छे सन इन लॉ हो। तभी गाइंग कहती है कि तुम लोग यहाँ पर लड़ना बंद करो और क्या कोई अंदर जाकर सिचुएशन के बारे में पूछ सकता है। इस पर जैंग यांग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाकर इस बारे में पता करता हूँ। और वो जाने से पहले लिन को देखकर एक स्माइल करता है, जिस बारे में लिन भी कंफ्यूज होता है और मैं भी कंफ्यूज हूँ। वैसे जैंग यांग का तुम्हें प्रोफेशन नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ कि वो एक डॉक्टर है। हम देखते हैं किंग को, जो कि यहाँ पर निंग से पूछ रही होती है कि वैसे आखिरकार बेटी क्या चल रहा है, क्योंकि मतलब तुम रात को घर नहीं आई और अभी सुबह सुबह जब तुम आ रहे हो तब तुम्हारे साथ कोई पर्सन है। जिस पर निंग कहती है कि मदर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं चल रहा और अभी
भी मेरे पीरियड से चल रहे हैं तो ये तो नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नर्स आ जाती है जो कि निंग और उसके मदर को बुलाती है। जहाँ पर निंग और उसके मदर नर्स के पास जाते हुए पूछती है कि आखिरकार उनकी कंडीशन कैसी है, तो नर्स बताती है कि पेशेंट की कंडीशन जो है ना वो अभी भी स्टेबल नहीं है, तो आप जल्दी से 5,000 युआन को जमा कराइए। जहाँ पर निंग की मदर इस बात को सुनकर कहती है कि उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है, तो निंग यहाँ पर कहती है कि मदर आप यहाँ पर ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, उनकी कंडीशन स्टेबल है, चलिए बिल जमा कराते हैं पहले। तभी लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि कैसा रहेगा तुम यहाँ पर स्टे करो और मैं जाकर पैसे पे कर देता हूँ। जिस पर निंग यहाँ पर मना करते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरी मदर ने बहुत कुछ हैंडल कर रखा है, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी चलती हूँ नीचे। इसी के साथ हम देखते हैं लिफ्ट का सीन जहाँ पर निंग ने किसी तरीके से अपनी मदर को शांत करा लिया था और वो अभी जा रही होती है नीचे काउंटर पर पैसे जमा कराने। जहाँ पर लिन उसे कम्फर्ट करते हुए कहता है कि ज्यादा परेशान मत हो, ये कोई इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर आते ही जरूर इस चीज को यहाँ पर जल्दी ही ठीक कर देंगे। जहाँ पर इस बात को सुनकर निंग खुश हो जाती है और लिन को इसके लिए थैंक्स कहती है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर निंग के अंकल वगैरह आ चुके थे यहाँ पर उसके फादर को देखने के लिए। जहाँ पर वो जैसे ही पैसा जमा करा कर आती है वो यहाँ पर अपने अंकल आंट को देखते हुए कहती है कि अंकल और आंट आप यहाँ पर। तभी उसके अंकल यहाँ पर उसके हाथ में एटीएम कार्ड रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कर लेना। तो निंग यहाँ पर इसके लिए मना करती है, तो वो कहते हैं कि ये आईसीयू है और इसकी एक रात का मतलब इसके अंदर एक रात रहने का ही खर्चा बहुत ज्यादा आता है। तभी हम देखते हैं जैंग जी को जो कि यहाँ पर ऑपरेशन वार्ड से निकलता है और निंग यहाँ पर ये देखकर सबसे पहले आगे बढ़ते हुए उसे यहाँ पर अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो इस पर जैंग जी कहता है कि इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है और मैं दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से जा रहा हूँ इस बारे में बातचीत करने ताकि इसे जल्दी से सॉल्व किया जा सके। लेकिन तभी जैंग जी यहाँ पर लिन को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है, अभी तक ये गया क्यों नहीं और परिवार के अलावा बाहरी लोगों का यहाँ पर रहना मना है, तो इसे जल्दी से जाने के लिए कहो। जिस पर निंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, शायद किसी जरूरत के वक्त वो यहाँ पर हमारे काम आ जाए। तो इस पर जैंग जी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लिन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज्यादा वक्त के लिए यहाँ पर किसी कुत्ते की तरीके उसका पीछा ना करो। जिस पर लिन भी यहाँ पर जैंग जी से कहता है कि अगर तुम भी नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर कल जो हुआ यहाँ पर उस बारे में सभी को बताऊं तो तुम यहाँ पर इसीलिए शांत रहना सीख लो। जिस बात को सुनकर जैंग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और शांति से जाने लगता है। और फिर जो हमारा सीन है वो यहाँ पर 3 घंटे बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक नर्स आते हुए जो निंग की फैमिली है यहाँ पर उसे बुलाने लगती है। जहाँ पर वो निंग की फैमिली को नर्स बताती है कि जो यहाँ पर अंदर पेशेंट है यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और हम किसी तरीके से उसे संभाल रहे हैं। अगर सिंपल वे में कहा जाए तो यहाँ पर उनके दिल के पास सर्जरी करनी है और कोई भी यहाँ पर इतना भी क्वालिफाइड नहीं है कि यहाँ पर उसे बारीक सर्जरी कर सके क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वेन्स हैं। जिस बात को सुनकर निंग की मदर यहाँ पर अपने घुटनों पर आ जाती है और रोने लगती है, तो निंग यहाँ पर उसे शांत कराती है। जहाँ पर निंग पूछती है कि तो फिर हम क्या कुछ और नहीं कर सकते, तो नर्स कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर उन्हें जिंदा रखने के लिए अपने पैसों को ऐसे ही लगाते रहिए और एक टाइम के बाद जब आपके रिसोर्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे तब उनकी डेथ होना कंपलसरी है, तो इस तरीके से पैसे वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उन्हें आखिरी बार देख लें। जिस पर निंग पूछती है कि क्या मैं उन्हें देखने के लिए जा सकती हूँ, तो नर्स कहती है कि हाँ लेकिन ये आखिरी बार होगा। तभी लिन यहाँ पर निंग को कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैंग यांग आ जाता है निंग को यहाँ पर आईसीयू वार्ड के अंदर ले जाने के लिए। जहाँ पर नर्स बता रही होती है कि यहाँ पर पेशेंट के रिलेटिव ने सिचुएशन को समझ लिया है। लेकिन तभी वो यहाँ पर जैसे लिन को देखता है निंग के साथ, वो पूछता है कि ये क्यों चल रहा है, मैंने यहाँ पर एक पर्सन को अलाउ किया था तुम्हारे साथ चलने के लिए, तो आखिरकार इसका क्या मतलब है। जिस पर निंग कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, वो आईसीयू वार्ड को यहाँ पर हमने बुक किया है, तो आखिरकार तुम होते कौन है, यहाँ पर हमें अलाउ करने वाले कि कितने पर्सन जा सकते हैं कितने नहीं। जिस पर जैंग यांग कहता है कि क्या तुम ऐसा कर मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहती हो। इस पर निंग कहती है कि जो तुमने कल किया था उसके बारे में क्या, मैं भी तो उसे भूल कर आगे बढ़ी थी, तो क्या तुम यहाँ पर इतनी छोटी चीज को मेरे लिए यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। जिस पर जैंग यांग यहाँ पर धमकी देते हुए कहता है कि अगर आप यहाँ पर ऐसा ही करती हैं तो मैं आइंदा से आपके फैमिली मैटर्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए या फिर आइंदा आप आकर मुझसे माफी भी मांगती हैं फिर भी नहीं। जिस पर निंग भी कहती है कि हाँ मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जिस पर जैंग यांग कहता है कि तो फिर ठीक है, यहाँ पर जैसा कि रूल्स और रेगुलेशन कहती हैं कि सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पर अंदर जा सकता है, तब तुम खुद सोचो कि कौन अंदर जाएगा। जिस पर लिन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है लेकिन इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पर हल्ला मचाना गलत बात है, तो यहाँ पर शांत हो जाओ और चुप रहो। और वैसे भी क्या तुम्हारे जो डीन है वो यहाँ पर अंदर नहीं है। जिस पर जैंग यांग कहता है कि हाँ है तो सही, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन और उनसे मिलना ही क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने वर्थ इट हो कि यहाँ पर उनसे मिल सको। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर डीन खुद ही चले आते हैं जो कि आते हुए कह रहे होते हैं कि कौन है जो कि मुझसे मिलना चाहता है, और इनका नाम यहाँ पर जैंग वोंग होता है और ये यहाँ पर हॉस्पिटल के
वॉइस डीन है जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मैं बाहर से तुम लोगों को देख रहा था बहस करते हुए, क्या यहाँ पर अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है। जिस पर जेंग यांग कहता है कि ये पागल डीन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप इसे सिक्योरिटी को बुलाकर सबसे पहले यहाँ से बाहर फिकवाइए। लेकिन हम देखते हैं जेंग वांग यहाँ पर उसे पहचान लेता है लिन को और कह रहा होता है कि अरे डायरेक्टर लिन, आप यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर ये कितनी ऑनर की बात है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करें ताकि मैं भी यहाँ पर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ और मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ सर। तभी डीन यहाँ पर सभी को लिन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि इनसे मिलो, इनका नाम यहाँ पर मिस्टर लिन है जो कि एक लेजेंडरी कार्डियक सर्जन है हिंसुक हॉस्पिटल के और यहाँ तक कि एक डायरेक्टर भी है। जहाँ पर जेंग यांग इस बात को सुनकर कहता है कि क्या हिंसुक हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन, ये क्या बकवास है। इसी के साथ लिन यहाँ पर कहता है कि चलो मुझे पेशेंट के पास ले चलो, मैं उसकी कंडीशन को देखना चाहता हूँ। जिस पर जेंग वांग कहता है कि अरे क्यों नहीं सर, आप यहाँ पर आइए। जहाँ पर निंग यहाँ पर लिन को देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, क्या ये सच में थांग काउंटी का एक छोटा सा डायरेक्टर ही है ना या फिर कुछ और है। इसी के बाद हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर हम देखते हैं निंग के फादर की बिगड़ती हुई कंडीशन को। तभी लिन यहाँ पर निंग को शांत कराते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, अभी भी यहाँ पर मौका है और अगर मैं सही से कहूँ तो अभी भी यहाँ पर हमारे पास एक मौका ही नहीं बचाने का। जिस बात को सुनकर निंग यहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि क्या सच में तो लिन कहता है कि हाँ मैं जब तक के लिए यहाँ पर हूँ ऐसा कहा जा सकता है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर्सन के सिक्स पैक यहाँ पर इतने तगड़े कैसे हैं, मतलब कि ये बुढ़ा हो चुका है उसके बावजूद भी। तब लिन यहाँ पर एक्सरे की मांग करता है तो नर्स यहाँ पर वो लिन को देती है कि जल्दी से इसे ऑपरेशन रूम के अंदर शिफ्ट करो और इसके ऑक्सीजन मास्क को चेंज करो। जहाँ पर जेंग वांग भी कह रहे होते हैं कि डायरेक्टर लिन ने कह दिया ना तो जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर जेंग वांग भी लिन से पूछ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर मतलब तुम क्या ही करोगे उस प्रॉब्लम को जानकर, बस तुम इतना समझ लो कि यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो यहाँ पर लिन से कहते हैं कि इसे सॉल्व इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। तो लिन कहता है कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसी बीच यहाँ पर लिन यहाँ पर डीन को अपना असिस्टेंट बनने के लिए पूछता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर अपनी वही डॉक्टरों वाली बातचीत करने लगते हैं कि क्यों नहीं आप यहाँ पर सर्जरी करेंगे और मैं बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सीख लूंगा और देखूंगा भी। जहाँ पर हम देखते हैं निंग भी इसे देखते हुए थोड़ा परेशान लग रही होती है। जहाँ पर वो लिन से आगे बढ़ते हुए पूछती है कि क्या ये सच में सर्जरी के द्वारा यहाँ पर ठीक किया जा सकता है, तो लिन यहाँ पर उसे बताता है कि मैं बस यहाँ पर अपना पूरा ट्राई करूंगा लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर यहाँ पर आखिरी में कुछ होता है तो मैं यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। जहाँ पर निंग भी इसके लिए यहाँ पर लिन को थैंक्स कहती है। और हम देखते हैं 5 घंटे बाद का सीन जहाँ पर लिन ऑपरेशन रूम से बाहर आता है तो निंग यहाँ पर दौड़कर लिन की तरफ जाते हुए कहती है कि अंदर की सिचुएशन कैसी है। जिस पर लिन बताता है कि सर्जरी यहाँ पर सक्सेस रही तो निंग कहती है कि आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, वो भी यहाँ पर मेरे डैड के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहाँ पर हम देखते हैं जेंग यांग को इन सारी चीजों से जलन हो रही होती है। तभी निंग की मदर यहाँ पर लिन से पूछती है कि वैसे जो यहाँ पर निंग के फादर हैं, क्या यहाँ पर सर्जरी के बाद कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर उनके लिए बच गया हो। तुम बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि जब तुम्हें चोट लगती है तो उसके बाद तुम्हारे जख्म रह जाते हैं। तो निंग की मदर यहाँ पर उसी बारे में पूछ रही होती है कि क्या कुछ ऐसा है। जिस पर लिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बस उन्हें यहाँ पर जरूरत है अपनी तबीयत का ध्यान रखने की और कुछ वक्त के लिए यहाँ पर उन्हें रेस्ट करके रिकवर करने की और दुनिया भर की चीजों से दूर रहने की, जिससे यहाँ पर उनके दिल पर ज्यादा दबाव न पड़े। तभी निंग की मदर यहाँ पर निंग से कहती है कि वैसे तुम यहाँ पर डायरेक्टर लिन को कहीं बाहर क्यों नहीं ले जाती कुछ खिलाने पिलाने के लिए, वैसे भी वो काफी वक्त से यहाँ पर हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहे हैं, और तुम अपने फादर की चिंता मत करना, उनके लिए मैं और तुम्हारे अंकल और आंट यहीं पर हैं फिलहाल के लिए। जहाँ पर निंग भी इसके लिए मान जाती है और वो जाते हुए कह रही होती है कि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो आप यहाँ पर मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हम देखते हैं निंग को जो कि यहाँ पर जाते हुए लिन से पूछ रही होती है कि तुमने यहाँ पर मुझे सच में बहुत ज्यादा ही हैरान कर दिया है, तुम यहाँ पर एक डायरेक्टर भी हो, एक डॉक्टर भी हो और एक बिजनेसमैन भी हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। जिस पर लिन बताता है कि वो बस यहाँ पर एक नॉर्मल सा पर्सन है जो कि दुनिया भर में घूमकर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस ले रहा है। जिस पर निंग कहती है कि क्या एक नॉर्मल सा पर्सन, लेकिन अभी तक तुमने जो कुछ भी किया है उनमें से कुछ भी नॉर्मल नहीं है, और वैसे भी जो तुम्हारी एज है वो मुझसे ज्यादा नहीं है, तो आखिरकार तुम्हारे पास यहाँ पर सर्जरी की इतनी ज्यादा बेहतर स्किल्स यहाँ पर कैसे है। तभी हम देखते हैं झाओ यांग को जो कि यहाँ पर संग फैमिली के पास कॉल करता है। जहाँ पर वो सन लू से बात करते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारे भाई के आदमियों को किसने घायल किया है, और यहाँ पर सन लू का भाई कोई और नहीं बल्कि सन जिंग है। और हम देखते हैं कि झाओ यांग यहाँ पर एक तरीके से लिन को रास्ते से हटाने के लिए सन फैमिली का मतलब सन फैमिली की साइड लेने की कोशिश करता है। उसके बाद जो हमारा सीन है वहाँ से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जिंग मसाज ले रहा होता है, लेकिन तभी एक पर्सन यहाँ पर आते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया है, और यहाँ पर वो पर्सन बता रहा है कि कल जो लफड़ा हुआ था, यहाँ पर वो क्लेम कर रहा है कि वो इस लफड़े से रिलेटेड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। जहाँ पर जिंग इस बात को सुनकर सबसे पहले लू की तरफ देखता है और कॉल को यहाँ पर उठाते हुए कहता है कि आखिरकार बताओ तुम क्या बताना चाहते थे। जिसके बाद जेंग यांग यहाँ पर जिन को सारी लोकेशन बता देता है लिन की, और कॉल के कट जाने के बाद जिन यहाँ पर अपने भाई से कह रहा होता है कि यहाँ पर कोई पर्सन था जो कि मैं बता रहा था,
बेसिकली यहाँ पर जेंग यांग है और वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, लेकिन उसने बताया कि लिन उसके हॉस्पिटल में है। जिस बात को सुनकर लू कहता है यहाँ पर उसका बड़ा भाई कि यहाँ पर तुम उसके लेवल को कम मत समझो, वो पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हें अपने साथ यहाँ पर ई लेवल का कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लेकर जाना चाहिए। जिस पर जिन यहाँ पर अपने भाई से पूछता है कि यहाँ पर जिंग बाहू के बारे में आपका क्या ख्याल है, और वैसे भी अगर लिन कमजोर निकलता है तो यहाँ पर हम उसे और ज्यादा बुरी तरीके से मारेंगे, बट अगर वो स्ट्रांग होता है तो हमारे पास थोड़ा वक्त होगा वहाँ से निकलने का। लेकिन वैसे भाई आपका लेवल क्या है, कभी आपने मुझे इस बारे में बताया नहीं। जिस पर लू यहाँ पर बताता है अपने भाई को कि यहाँ पर उसका लेवल सी है। इसी के साथ हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन जहाँ पर जिन यहाँ पर अपने लोगों के साथ आया था और वो यहाँ पर जेंग यांग से कह रहा होता है कि जो कुछ भी कल हुआ वो यहाँ पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो तुम यहाँ पर इस चीज को इतना ज्यादा भी पर्सनली मत ले लेना। जिस पर जेंग यांग भी कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि हम एक दूसरे के साथ कभी काम भी कर पाएंगे। तभी जिन यहाँ पर लिन के बारे में पूछता है तो जेंग यांग यहाँ पर बताता है कि लिन अभी बाहर गया है डिनर के लिए, वो भी यहाँ पर निंग के साथ, लेकिन अगर वो यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रबल क्रिएट करता है तो वो यहाँ पर निंग की मदद से आराम से लिन को यहाँ पर बुला सकता है, लेकिन निंग यहाँ पर मेरी फियांसे है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है इसके बदले, और ना ही उसकी तरफ देखना है तुम्हें। जिस बात को सुनकर जिंग यहाँ पर जेंग यांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि आज यहाँ पर मेरा सारा ध्यान यहाँ पर लिन के ऊपर होने वाला है, तो तुम उसे अटेंशन दे सकते हो। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर आईसीयू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जिंग पहुंच चुका था, और निंग की मदर यहाँ पर जैसे ही जिंग को देखते हैं वो उसे देखते हुए गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर पहले से ही मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जिंग यहाँ पर रिप्लाई करता है कि आंट यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं, अगर अंकल को यहाँ पर जाते ही दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ पर बस उनकी मदद करने के लिए आया हूँ, जैसा कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो आप चिंता मत कीजिए, अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है एक कब्र की और यहाँ पर एक गाड़ी की भी तो मैं यहाँ पर उसका इंतजाम कर दूंगा। जिस पर निंग का अंकल यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार वो बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तो जेंग यांग यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि अंकल देखो तो सही वो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। तभी जिंग यहाँ पर सिगरेट पीते हुए कहता है कि आंट मैं यहाँ पर आप जैसे बूढ़े लोगों के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी डॉटर का जो वो नया फ्रेंड आ रखा है जिसके साथ वो अक्सर घूमती रहती है उससे यहाँ पर कॉल करके बुलाओ और उसे बताओ कि मैं रूम नंबर 706 के अंदर उसका इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर गलती से भी आ जाता है तो आप यहाँ पर उसे रूम नंबर 706 के अंदर विजिट करने के लिए यहाँ पर जरूर कहिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं नर्स को जो कि यहाँ पर जेंग यांग से कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि वैसे भी मुझे इन लोगों से नफरत है, ये लोग जरूर कोई प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए यहाँ पर आए होंगे। जिस पर निंग की मदर कहती है कि मैंने यहाँ पर इस बारे में पुलिस को कॉल करके पहले ही बता दिया है, लेकिन अभी मुझे जरूरत है यहाँ पर अपनी बेटी को कॉल करके इस बारे में बताने की। और हम देखते हैं निंग को जो कि यहाँ पर लिन को जगह घुमा रही होती है और बता रही होती है कि यहाँ का खाना कितना बेहतर है, तो लिन यहाँ पर उससे कहता है कि क्यों ना पहले यहाँ पर टेस्ट किया जाए। और उसी के बाद हमारा सीन एक रेस्टोरेंट के अंदर का शिफ्ट होता है जहाँ पर निंग कह रही होती है, वैसे एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, और निंग यहाँ पर कह रही होती है कि तुम्हें इसे जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। जिस पर लिन यहाँ पर इसे खाते हुए कहता है कि हाँ ये बेटर है लेकिन मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ, जिस पर निंग यहाँ पर कहती है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर ये जो खाना है इसे शेफ ने बनाया है और उन्होंने इसके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, तो तुम इसे ऐसे कैसे बना सकते हो। तभी निंग के पास यहाँ पर उसकी मदर का कॉल आता है जो कि उसे सारी सिचुएशन बताती है, तो इस पर निंग यहाँ पर रिएक्ट करते हुए कहती है कि रुको मैं आती हूँ, तो लिन उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या हमें यहाँ से फिर वापस जाना होगा। जिस पर निंग कहती है कि पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ट्रबल क्रिएट हो चुकी है। जिस पर लिन यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है कि चलो फिर जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। और हमारा सीन यहाँ पर हॉस्पिटल का शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं निंग यहाँ पर अपनी मदर से पूछ रही होती है कि आखिरकार उन्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तभी लिन यहाँ पर उनसे पूछता है कि क्या बाकी सभी ठीक है, तो वो बताती है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि तो फिर ठीक है मैं पहले जाकर उन लोगों को संभाल लेता हूँ, तो निंग यहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगे। जिस पर लिन कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी चिंता मत करो और वहाँ पर आना मत, क्योंकि जब तक तुम वहाँ पर रहोगी ये मैटर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। जिसके बाद जो हमारा सीन वहाँ से रूम नंबर 706 की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक पर्सन जिंग से कह रहा होता है कि आधे घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस खबर को ऑनलाइन यहाँ पर फैले हुए, लेकिन अभी तक वो पर्सन यहाँ पर नहीं आया। जिस पर जिंग यहाँ पर रिप्लाई करता है कि चिंता मत करो, आखिरकार वो पर्सन हमसे बच कर कहाँ जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि हम यहाँ पर उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, और आज मैंने यहाँ पर लिन से निपटने के लिए जिंग बाहू को बुलाया है जो कि यहाँ पर एक ई क्लास पर्सन है, तो मुझे नहीं लगता कि लिन यहाँ पर उसे पिछाड़ भी पाएगा। जिसके बाद जिंग यहाँ पर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि अभी वक्त है यहाँ पर चीजों को रेडी करने का ताकि मैं उसे फील करा सकूं कि आखिरकार हारना कैसा होता है। और हम देखते हैं जिंग बाहू यहाँ पर ये सब कह रहा होता है, लेकिन तभी लिन वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लिन अंदर आते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी तुम लोग के ऊपर हार नहीं जाना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ पर मुझे ज्यादा परेशान करने की बजाय यहाँ से चले जाओ। जिस पर जिंग यहाँ पर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इन चीजों के अंदर बहुत ज्यादा ही मजा रहा है, लेकिन अभी ये मेरा टाइम है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम लोगों ने ही शुरू किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम यहाँ पर ये सब कुछ बंद करो और यहाँ से शांति से चले जाओ। जिस पर जिंग यहाँ पर
चार्जिंग बाई नाम के पर्सन को आगे भेजते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर इसे हराने में कामयाब हो पाते हो तो हम यहाँ से खुद ब खुद चले जाएंगे। तभी जिंगबाओ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लिन से पूछता है कि मैंने सुना है तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर तुमसे लड़ने में थोड़ा बहुत तो मजा आएगा ही। और वो यहाँ पर अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले लिन यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिंगबाओ यहाँ पर आराम से लिन के अटैक को रखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें इतना ज्यादा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। जिस पर लिन यहाँ पर जिंगबाओ से कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, अभी मेरे पास बहुत सारे मूव्स हैं जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और लिन यहाँ पर जैसे ही अपनी बात को खत्म करता है जिंगबाओ यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिन भी यहाँ पर बिना किसी परेशानी के उसके इस अटैक को रोक लेता है और जिंगबाओ के फेस की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि माफ कर देना, कोई चांस नहीं है तुम्हारे बचने का। और हम देखते हैं कि इसी के साथ लिन के एक ही पंच के अंदर जिंगबाओ नॉक हो चुका था। तभी जिंग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बाऊ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो बाऊ बताता है कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पर जिंगबाओ यहाँ पर बताता है जिंग को कि वो थोड़ा केयरलेस हो गया था लेकिन अभी वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर लिन के सामने चाकू निकाल कर कहता है कि माफ करना बच्चे, लेकिन अभी वक्त है यहाँ पर तुम्हें एक बेहतरीन सा सबक सिखाने का। और ऐसा कहते हुए जिंगबाओ यहाँ पर लिन के फेस पर अटैक कर देता है चाकू के साथ। तो हम देखते हैं लिन को जो कि यहाँ पर उसके चाकू वाले हाथ को पकड़ता है और उसे यही चाकू को यहाँ पर उसे के पेट में रिटर्न करते हुए कहता है कि मेरा रिटर्न गिफ्ट था। और जिंगबाओ के साथ आए हुए बाकी लोग जैसे ही उसके इस कंडीशन को देखते हैं वो सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। और उसके बाद दो लोग यहाँ से सबसे पहले भाग कर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन लिन यहाँ पर एक झटके के अंदर दो लोगों को नॉक कर देता है और जिंग जिसे कि लग रहा था कि वो बचकर निकल जाएगा उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं लिन ने जिंग को पकड़ लिया था और कह रहा था कि अभी वक्त है, तो आखिरकार तुम यहाँ से इतनी जल्दी जा क्यों रहे हो। तभी निंग भी वहाँ पर आ जाती है जो कि लिन से पूछ रही होती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर लिन बताता है कि हाँ बिल्कुल, बस मैं थोड़ी देर के लिए दरवाजे को बंद करना चाहता हूँ ताकि मैं अंदर की चीजों को यहाँ पर अंदर ही रख सकूँ, बाहर न जाने दूँ। जिसके बाद लिन यहाँ पर दरवाजे को बंद कर लेता है और जिंग की आवाज आ रही होती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज यहाँ पर मेरे साथ ऐसा मत करो। और हम देखते हैं जेंग यांग को जो कि यहाँ पर और ज्यादा नीचे गिर जाता है और वो यहाँ पर पुलिस के पास कॉल करते हुए कहता है कि मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर एक लड़ाई के दौरान यहाँ पर किसी पर्सन ने किसी को चाकू मार दिया था, आप जल्दी आ जाइए। जहाँ पर झाओ यांग का प्लान होता है कि अगर यहाँ पर सन फैमिली लिन के साथ अगर डील नहीं कर पाती है तो वो खुद ही कर लेगा। जहाँ पर उसका प्लान होता है लिन को मर्डर के केस के अंदर फंसा देना। और हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर जिंग यहाँ पर लिन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। तो लिन यहाँ पर कहता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा तुम्हें मेरे सवालों का, जो भी यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना होगा। जहाँ पर लिन का पहला सवाल ये होता है कि आखिरकार तुम लोगों को कैसे पता लगा कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। जिस पर जिंग यहाँ पर बताता है कि ये यहाँ पर झाओ यांग था जिसने की ये इन्फॉर्मेशन उसे दी और वो यहाँ पर मेरे साथ कल का मामला सेटल करना चाहता था। जिस बात को सुनते हुए लिन कहता है कि क्या झाओ यांग आखिरकार वो यहाँ पर इन चीजों के पीछे क्यों है। जिस पर जिंग कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मैटर यहाँ पर बहुत सारे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस को ला सकता है, तो तुम यहाँ पर मुझे यहाँ से जाने दो। जिस पर लिन कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर मैं इसे संभाल लूंगा, वैसे भी तुम्हारा भाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही किंग है तो आखिरकार वो यहाँ पर मेरा क्या ही कर लेगा। जिस पर लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ और अपने भाई के पास कॉल करो और उसे बताओ कि मैं यहाँ पर अभी उससे बात करना चाहता हूँ। जिस पर जिंग यहाँ पर अपने भाई को कॉल करते हुए लिन की तरफ फोन को कर देता है, जहाँ पर लू कह रहा था फोन से कि क्या हुआ जिंग, आखिरकार क्या हॉस्पिटल वाला मैटर यहाँ पर सुलझ गया। जिस पर लिन यहाँ पर फोन को लेते हुए लू से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाई को इस मैटर की वजह से यहाँ पर धर लिया है। इसके बाद लिन यहाँ पर लू से कहता है कि तुमने यहाँ पर जिस पर्सन को अपने भाई की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, क्या नाम था इसका, जिंगबाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा कमजोर था तो मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ शायद इसे यहाँ पर जान से मार दिया है। जिस पर लू यहाँ पर कहता है कि इतनी यंग एज के अंदर यहाँ पर इतना टैलेंट रखने के लिए हमारी संग फैमिली यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपने ज्यादा कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस मामले को फिलहाल के लिए यहीं पर छोड़ दें और हम कहीं और प्राइवेट में यहाँ पर इस मैटर को लेकर डिस्कस करेंगे एक दूसरे से। जिस पर लिन यहाँ पर लू से कहता है कि क्या तुम्हें लाइफ एंड डेथ का मीनिंग नहीं पता है। जिस पर लू कहता है कि हाँ, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था और मैं आइंदा से यहाँ पर जोंगा या फिर साउथर्न रीजन कहीं पर भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। और ऐसे उनके बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, जिसके बाद मिस्टर लू यहाँ पर लिन को 3 दिन बाद यहाँ पर किसी होटल के अंदर 8 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पर लिन भी इस बात को सुनकर इसके लिए उन्हें हाँ कर देता है। और बस जो हमारा सीन था थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं पुलिस आ चुकी थी और जैसे ही वो लोग यहाँ पर 706 रूम नंबर की तरफ आते हैं, निंग यहाँ पर उन्हें देखकर हैरान थी। तभी लिन भी उस रूम से बाहर निकलते हुए उन लोगों से कहता है कि आप लोग यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर किसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर जिंगबाओ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लिया है और उसे उतनी चोट भी नहीं आई है, तो आप उसे लेकर आप यहाँ से लेकर उसे आराम से जा सकते हैं और वो जिंदा भी है। जहाँ पर लिन उन पुलिस वालों से कहता है कि हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपको रिपोर्ट की हो वो भी यहाँ पर इन लोगों के साथ हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मौका ही नहीं था यहाँ पर फोन उठाकर आपको इस बारे में रिपोर्ट करने का, तो हो सकता है कि जिसने रिपोर्ट की हो पहले से इस बारे में जानता था। इसी के बाद लिन वहाँ से जाने लगता है और निंग पूछ रही होती है कि
बाकी का सब कुछ ठीक है, तो लिन बताता है कि हाँ बिल्कुल, और अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला और तुम पूछना भी मत। जिसके बाद लिन यहाँ पर होटल के बाहर आ जाता है और वो क्या होता है कि अभी यहाँ से जाने वक्त है, तो निंग कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आती हूँ। तब लिन यहाँ पर निंग से कहता है फोर सीजन होटल चलने के लिए, तो निंग कहती है, जिस पर निंग कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी सोच रही थी थोड़ा रेस्ट करने के बारे में। जिस पर लिन यहाँ पर निंग से कहता है कि तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे छोड़ने के लिए जाना होगा। जहाँ पर झेंग यांग लिन को यहाँ पर निंग के साथ देखकर बस जले जा रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर झेंग यांग के पास आते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मुझे रिपोर्ट की थी। तो झेंग यांग यहाँ पर इसे लेकर हाँ करता है, तो वो झेंग यांग को भी हथकड़ी पहना देते हैं। उसके बाद जो हमारा सीन है वो यहाँ पर फोर सीजन होटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन को और निंग को। तभी लिन यहाँ पर कहता है निंग से कि तुम यहाँ पर जिस तरीके से मेरा पीछा कर रही हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी के साथ फ्रॉड कर रही हो। जिस पर निंग कहती है कि मैं इन चीजों से नहीं डरती और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था जिसने की पुलिस को बुलाया था। तो इस बात को सुनकर निंग यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि ये निराशाजनक है, मैं उसके साथ एक साल से ज्यादा वक्त रही हूँ लेकिन मैंने उसे कभी यहाँ पर इस तरीके से नहीं देखा था। तभी लिन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ अपने बिस्तर पर सोने के लिए, हम सुबह मिलेंगे। जिसके बाद हमारा सीन सुबह की तरफ शिफ्ट होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं लिन और निंग यहाँ पर बाकियों के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी निंग के पास यहाँ पर उसके पेरेंट्स की कॉल आती है, तो जहाँ पर निंग यहाँ पर अपनी मदर से सबसे पहले अपने डैड की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो निंग की मदर बताती है कि वो यहाँ पर अभी ठीक है, बट अभी यहाँ पर झेंग यांग के मदर और फादर यहाँ पर शादी की बात के लिए आए हैं और मैं उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, तो क्या तुम यहाँ पर छुट्टी लेकर कुछ वक्त के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल आ सकती हो। जिस पर निंग कहती है कि रुकिए मैं थोड़े वक्त के अंदर वहाँ पर आती हूँ। तभी लिन भी पूछता है कि क्या चल रहा है, तो निंग यहाँ पर बताती है कि झेंग यांग की फैमिली यहाँ पर उसकी मैरिज के लिए आई है, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर जब उसके फादर इतने बीमार है, पता नहीं क्या सोच रहे थे वो लोग जो कि ये सब कर रहे हैं। तभी निंग यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, तो लिन पूछता है क्यों। तो निंग बताती है कि तुमने मेरी फादर की लाइफ बचाई थी और अभी तुम यहाँ पर, अगर मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलते हो तो मदर को यहाँ पर कोई एतराज नहीं होगा। और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो तुम पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर हो और तुम्हें बस वहाँ पर जाने के बाद बस ज्यादा से ज्यादा अपने पैसों का शो ऑफ करना है। जिस पर लिन कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर किसी पैसे वाले खड़ूस की तरह एक्ट करूँ। जिस पर निंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं बस उन लोगों के मुंह को बंद करना चाहती हूँ। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तुम्हारा माइंड सेट यहाँ पर बहुत तगड़ा है, मुझे तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। और उसके बाद जो हमारा सीन है वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन यहाँ पर लिन से कह रही होती है कि क्या तुमने सब कुछ समझ लिया जो भी मैंने बताया था। जिस पर लिन कहता है कि हाँ बस मुझे पैसे वाले खड़ूस की तरीके एक्ट करना है और पैसे का शो ऑफ करना है। और हम देखते हैं उसके बाद खुलते हुए दरवाजे को, जिससे लिन और निंग यहाँ पर अंदर आते हैं और निंग यहाँ पर सभी को हेलो कहती है। तभी हमें दिखाया जाता है झाओ यांग के पेरेंट्स को, जो कि यहाँ पर निंग को हेलो कह रहे होते हैं। तभी निंग यहाँ पर अपनी आंट से कहती है कि आंट मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर झाओ यांग ने आपको इस बारे में नहीं बताया होगा कि गाइस सबसे पहले तुम यहाँ पर ये देखो ब्रेकअप की स्पेलिंग को, अभी मैं इसे गलत एक्सप्लेन कर देता और आगे जाकर मुझे रियलाइज होता जब, तब मैं एक एक्स्ट्रा पेज को ऐड कर देता और मैं अलग से सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करता। मेरा मतलब है कि मैं एक रिकैप कर देता पूरी स्टोरी का, मतलब क्या सिनेरियो चल रहा है। तो बैक टू द कॉमिक, हम देखते हैं कि निंग यहाँ पर आंट को बताती है कि मुझे माफ कर देना, हमने यहाँ पर बहुत वक्त पहले यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया था। जिस पर झाओ यांग कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता, लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और मैं यहाँ पर फ्यूचर में भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम मुझे छोड़कर जाना क्यों चाहती हो। जिस पर निंग कहती है कि मुझे पता है तुमने यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा प्रोटेक्ट किया है, बट इसके अलावा मैं नहीं चाहती हूँ कि सारी चीजें यहाँ पर सभी लोगों के सामने आए, तो तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम चाहते हो कि चीजें यहाँ पर और ज्यादा गड़बड़ ना हो। जिस पर झाओ यांग गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है कि वो बस मेरी एक गलती थी, तुम इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो निंग यहाँ पर लिन के पास जाते हुए कहती है कि पर अभी देर हो चुकी है, मैंने यहाँ पर लिन को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और यहाँ पर वो लिन था जिसकी वजह से मेरे फादर रिकवर कर पाए हैं। जिस पर झाओ यांग घबरा जाता है और वो यहाँ पर निंग से कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ और भी बहुत सारी मीठी बातें हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, बस तुम सीधा सीधा समझ लो कि झाओ यांग इतना कहता है कि 2-3 दिन पहले आए हुए पर्सन के लिए, तुम क्या सच में यहाँ पर मुझे छोड़ना चाहती हो। जिस पर निंग यहाँ पर लिन की तारीफ करने लगती है कि लिन यहाँ पर खूबसूरत है, गुड लुकिंग है और पता नहीं क्या क्या। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लिन की वाइफू कलेक्शन के अंदर एक और लड़की जुड़ चुकी है। जिस पर हम देखते हैं झाओ यांग यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं उखाड़ पाता है, तो वो पैसों पर आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो बस यहाँ पर दांग काउंटी का एक छोटा सा डायरेक्टर है, तो तुम यहाँ पर उसे मेरे से कैसे कंपेयर कर सकती हो। जिस पर लिन यहाँ पर बताने लगता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है, जो कि सच है या झूठ हमें नहीं पता, बट यहाँ पर लिन बताता है कि उसे 8 लैंग्वेज आती है और इसके अलावा जो लिन की वर्थ है वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की है। लगता है लिन गलती से 2-3 जीरो लगाना और भूल गया। लेकिन निंग जिसके चेहरे के भाव ये प्रकट कर रहे होते हैं कि इतना कौन फेंकता है, मैंने कहा था मतलब इतना ज्यादा, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया। जिस पर निंग यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर भरोसा कैसे कर लूँ, तुम यहाँ पर कोई प्रूफ दिखाओ। वैसे भी तुम्हें आखिरकार क्या लगता है, क्या मेरे चेहरे पर बेवकूफ लिखा हुआ है, और मान लो बेवकूफ लिखा भी हुआ है तो क्या तुम्हें दिख भी गया। जहाँ पर हम देखते हैं झाओ यांग के फादर भी कह रहे होते हैं कि जैसा कि तुमने कहा तुम मल्टी मिलियनर हो, तो दिखाओ ना कोई मिलियंस की चीज, वैसे भी तुम्हारे कपड़े भी एकदम नॉर्मल लग रहे हैं।
हैं, जिस पर लिन अपनी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। ये यहाँ पर 175th एनिवर्सरी वॉच है जिसकी कीमत यहाँ पर 17.5 मिलियन है, क्या ये यहाँ पर इतना काफी रहेगा। जिसके बाद लिन यहाँ पर अपना फोन आगे करते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हें इतने में भरोसा नहीं हो रहा होगा, जरा तुम यहाँ पर मेरे फोन में देख कर बताना कि मेरे अकाउंट में कितने जीरो हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन के अकाउंट में बहुत सारे जीरो हैं। जहाँ पर झाओ यांग देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम्हारे पास इतने सारे पैसे, जरूर मेरे चश्मे में ही कोई गड़बड़ी होगी। तभी लिन यहाँ पर कहता है कि मैंने अपनी वर्थ साबित कर दी, क्या तुम भी यहाँ पर अपना कुछ, मतलब कुछ भी यहाँ पर अपना साबित करना चाहोगे। जिस बात को सुनकर झाओ यांग की फैमिली सीधा ही बिदाई लेने लगती है कि बहुत देर हो चुकी है, अभी मैं जाना चाहिए। जहाँ पर झाओ यांग कुछ कह नहीं पाता और वहाँ से शांति से चला जाता है। और जब वो लोग चले जाते हैं तब निंग यहाँ पर लिन से कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, 10 मिलियन से ज्यादा की घड़ी और 100 मिलियन से ज्यादा के पैसे, आखिरकार इस तरीके से यहाँ पर तुमने उन्हें बेवकूफ बनाना मैनेज कैसे किया। जिस पर लिन कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, यहाँ पर ये घड़ी पूरी 25 कैरेट गोल्ड की है, वो भी विद डायमंड, तो तुम चाहो यहाँ पर चेक कर सकती हो दांत से। तभी निंग की मदर यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है। तो निंग कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वैसे फादर की कंडीशन कैसी है। जिस पर निंग की मदर कहती है कि वो बस यहाँ पर लिन का थैंक्स कहना चाहते हैं, और वैसे भी डीन आए थे जिनसे जब हमने यहाँ पर बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे फादर यहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हैं, और ये सब कुछ यहाँ पर लिन की वजह से, अगर वो नहीं होता तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता, इसलिए हम लिन का थैंक्स कहना चाहते हैं। तभी निंग के फादर भी पूछते हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसने मेरी सर्जरी की थी। तो निंग की मदर कहती है कि हाँ, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही पहचाना है। इस पर वो यहाँ पर लिन का थैंक्स कहते हैं। तो लिन कहता है कि अरे कोई बात नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता था, आप यहाँ पर अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। तभी निंग की मदर यहाँ पर निंग से कहती है कि वो यहाँ पर लिन को घुमाए अपना टाउन, नहीं तो अगर वो यहाँ पर लिन को ऐसे ही परेशान करती रहेगी तो लिन यहाँ पर जल्दी ही टाइम आने पर यहाँ से जोंघाई वापस चला जाएगा। जहाँ पर निंग भी कहती है कि हाँ ठीक है मदर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है, और मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, बट मैंने हो सकता है चैप्टर के बीच में छोटी मोटी मिस्टेक की हो सकता है कोई एक लाइन एक से ज्यादा बार बोल दी हो, या फिर करेक्टर के नेम को ही यहाँ पर आगे पीछे कर बोल दिया हो, तो इसे इग्नोर करना और इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं बस थोड़ी नींद के अंदर आ गया था।